कोविड बैक्टीरिया के लिए भारत में एसेंशियल सर्विस जैसे किराने, राशन और दवा की दुकानों को इस लॉकडाउन से छूट दे दी गई। इसी तरह सब्जी और दूध बेचने वालों को भी भारत में लॉकडाउन से अलग रखा गया। फायर ब्रिगेड और पुलिस अर्धसैनिक बल इनको इस विपरीत परिस्थिति में काम करना जरूरी है। फिलहाल तो लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान की दिक्कत भी देखी जाए। लोग सरकार के लॉकडाउन के फैसले की तारीफ भी कर रहे हैं। कुछ ऐप है और जो डेली नीड्स है वो घर में भी आके आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। मिल्क और शुगर अच्छा कुछ भी आप घर में मंगवा सकते हैं। ये कुछ अर्जेंट है इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। करता है तो प्रॉब्लम बढ़ेगा तो वो हमें ही फेस करना है। तो अगर करता है तो हमारे अच्छे के लिए, हमें गर्मी सब दे रही है वो हमारे लिए ही है। अब आपको कुछ और देशों के बारे में बताते हैं जहां पर लॉकडाउन के दौरान अलग अलग रियायतें दी जा रही है। मध्य अमेरिकी देश पनामा में महिलाओं और पुरुषों को एक एक दिन छोड़कर घर से निकलने की इजाजत दी गई। महिलाएं सोमवार, बुधवार और शुक्रवार दो घंटे निकल सकती, वहीं पुरुष मंगलवार, गुरुवार और शनिवार दो घंटे के लिए अपने घर से बाहर निकल सकते हैं। वहीं लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया में नेशनल आईडी नंबर से तय हो रहा है कि कब कौन घर से बाहर निकल सकता है। वहां पर ऑड और इवन नंबर के आधार पर तय होता है कि कौन किस दिन घर से बाहर निकल सकता है। जैसे क्या कि आखिरी नंबर 0, 4 और 7 है, वो लोग लॉकडाउन के दौरान सोमवार को घर से बाहर निकल सकते हैं। वहीं यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक और स्लोवाक रिपब्लिक सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य। मजे की बात यह है कि देशों में निर्वस्त घूमने पर रोक नहीं, पर लोग कपड़ा पहने मास्क लगाना जरूरी है। दुनिया के इस लॉकडाउन के दौरान अलग अलग देशों से अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जैसे कि स्पेन के सैंटेडर शहर में पुलिस वाले अकेले रहने वाली एक महिला के घर पहुंचे और खास अंदाज उसे बधाई दी। लॉकडाउन के दौरान बोरियत के शिकार स्पेन के लोगों का मन पुलिस इसी तरह से बनाती है। स्पेन के पुलिस वालों के ऐसे गाने बजाने के कई वीडियो सामने आए। लैटिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना में सेना इस वक्त लॉकडाउन के दौरान खाने की किल्लत से जूझ रहे लोगों की मदद कर रही है, उन्हें खाना पहुंचा रही है। ये खाना मेरे बहुत काम का है क्योंकि मैं चल फिर नहीं सकती। मुझे कई साल पहले दिल का दौरा पड़ा था तो मैं कोई काम नहीं कर सकती, इसीलिए ये खाना मेरे लिए एक बहुत बड़ी मदद है। अर्जेंटीना की सेना ने राजधानी ब्यूनस आयर्स के बाहर एक मिलिट्री किचन बनाया जिसके जरिए हजारों गरीब लोग, इससे अर्जेंटीना के लोगों ने सेना के प्रति सम्मान और बढ़ गया। सेना की मौजूदगी से लोग उसका सम्मान करते हैं।